हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। रेलवे ग्रुप डी में काम करने वाले सभी कर्मचारी और साथ ही साथ नई ज्वाइनिंग लेने वाले सभी विद्यार्थी जिनकी अब ज्वाइनिंग होने वाली है रेलवे ग्रुप डी में, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपकी जो सैलरी है उसमें लगभग 7,300 रुपये का इंक्रीजमेंट हो चुका है। और ये नोटिस हाल ही में साउथ वेस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। तो चलिए आपको पूरी जानकारी देंगे कि पहले आपको कितनी सैलरी मिलती थी और अब कितनी सैलरी मिलने वाली है। मतलब कहने का ये है कि वो जो सैलरी आपकी है वो रिस्क अलाउंस में जो जोखिम भत्ता है उसमें ऐड की गई है। तो पहले आपको जोखिम भत्ता कितना मिलता था और अब कितना जोखिम भत्ता दिया जाएगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बहुत बड़ी खुशी की खबर आप सभी के लिए, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और साथ ही साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ जिनकी भी ज्वाइनिंग होने वाली है या जो ग्रुप डी में काम करते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, दक्षिण पश्चिमी रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे और डेट आप देखिए 26 जून 2019। तो कुछ दिन पहले ही इस नोटिस को जारी किया गया ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब यहां पर देख सकते हैं चेयरमैन रेलवे बोर्ड न्यू दिल्ली, सब्जेक्ट देखिए रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस फॉर ट्रैक मेंटेनर्स इन इंडियन रेलवेज। तो जो ट्रैक पर काम करते हैं, गैंगमैन बोल सकते हैं या बोल सकते हैं ट्रैक मेंटेनर्स बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं ट्रैक मैन, तो उनके लिए जो रिस्क अलाउंस है उनके रिगार्डिंग इस नोटिस को जारी किया गया, इस नोटिफिकेशन को निकाला गया है। तो देखिए रेफरेंस रेलवे बोर्ड से लेटर नंबर दिया हुआ है, RBE नंबर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें जो कुछ चेंज थे वो किए गए थे 10 अगस्त 2017 को और उसके बाद 13 मार्च 2018 को। तो उसी के रिगार्डिंग अब इस जो रिस्क अलाउंस है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, उसमें कुछ बढ़ोतरी की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी जानकारी। तो पहले जो आपको रिस्क अलाउंस मिलता था वो मिलता था 2,700 रुपये, 2,700 रुपये, लेकिन अब यहाँ पर देखिए इन द कैपेसिटी ऑफ GM ओब्लिक SWR आफ्टर हैविंग मेट एंड हेयर्ड थाउजेंड्स ऑफ ट्रैक मेंटेनर्स एंड देयर वर्ड्स, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द अलाउंस इज रादर इनसफिशियंट कंसिडरिंग देयर टफ ड्यूटीज इन्वॉल्विंग फिजिकल लेबर अंडर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन ऑफ विंटर समर्स रेन ETC। तो यहाँ पर रेलवे बोर्ड का कहना ये है कि जो कर्मचारी रेलवे ट्रैक पर काम करते हैं, ट्रैकमैन होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल कंडीशंस में, मतलब कि आपातकालीन कंडीशंस में काम करते हैं, जैसे कि बारिश हो गई, सर्दी होगी, गर्मी होगी, तो हर टाइम उनको वहाँ पर ट्रैक पर काम करना होता है। तो उनका काम बहुत ही जोखिम भरा होता है, साथ ही साथ कभी भी वहाँ पर ट्रेन आ सकती है ट्रैक पर, तो उनका काम जो होता है वो बहुत ज़्यादा जोखिम भरा होता है। और अगर बात करें जो पहले उनको 2,700 रुपये भत्ता मिलता था जोखिम का, वो इस काम के रिगार्डिंग, इस काम के अनुसार वो भत्ता बहुत कम था। तो अब इस भत्ते में इंक्रीजमेंट किया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो नेक्स्ट पैरा है इसमें ट्रैक मेंटेनर्स जो अलाउंस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रैक मेंटेनर्स का 10,000 तक कर दिया गया है पर मंथ, विच शुड बी एडेड इन द बेसिक पे। तो ये जो आपकी बेसिक सैलरी है इसी में ऐड होगा। तो पहले 2,700 मिलता था, अब 10,000 मिलता है, करीबन 7,300 रुपये की इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। तो रेलवे ग्रुप डी में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि उनकी सैलरी में अब 7,300 रुपये तक का इंक्रीजमेंट होने वाला है। साथ ही साथ जो कैंडिडेट अब नए भर्ती हुए हैं रेलवे ग्रुप डी में, जिनकी ज्वाइनिंग होने वाली है या फिर जिनका मेरिट पैनल जो है वो जारी होने वाला है, तो उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई है कि आपकी सैलरी में इंक्रीजमेंट हो चुका है, अब आपको थोड़ा फ़ायदा होने वाला है। उम्मीद करते हैं आपको पूरी जानकारी समझ में आ पाई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि सभी कैंडिडेट्स तक इस खुशखबरी को जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि लेटेस्ट अपडेट रेलवे ग्रुप डी के आपको हमेशा मिलते रहें और कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।